बड़े मूड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 के आज हम लोग रिजल्ट और फिजिकल डेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कब से होगा आपका रिजल्ट आ सकता है और कब से दौड़ स्टार्ट हो सकता है। दौड़ नहीं है, बस ये पैदल चलना है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे कि कितने आपको पैदल चलना है। आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 902 है। 902 वैकेंसी में आपका अलग अलग वर्ग के लिए आप देख सकते हैं कितने वैकेंसी है, ठीक। और ये जो पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3% है, वहाँ 27 वैकेंसी है। और ये टोटल वैकेंसी में भी 35% वैकेंसी जो है वो महिला के लिए है। ये सब सारे बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब जो एग्ज़ाम हुआ था वो 100 क्वेश्चन का हुआ था, नेगेटिव मार्किंग भी था, ठीक। तो पार्ट वन में जो था 30 क्वेश्चन था, पार्ट जो भाग दूसरा था उसमें 25 क्वेश्चन था। तो पार्ट वन में करंट अफेयर, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ 6-6 क्वेश्चन मिलाकर 30 क्वेश्चन थे। पार्ट टू जो था उसमें 25 क्वेश्चन जो थे साइंस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट से। पार्ट थ्री में आपको रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन था। और पार्ट फोर जो था उसमें हिंदी के क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स आपको मिलने वाला था और साथ में निगेटिव मार्किंग भी था। आपको पता होना चाहिए कि अपने अलग अलग वर्ग में कम से कम इतना मार्क्स आपको चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो सकते हैं। कम से कम चाहिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग EBC बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके 34% चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए 32% चाहिए, ठीक। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मिनिमम इतना आपका होना चाहिए तभी आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मेरिट लिस्ट इससे ज़्यादा ही बनता है लेकिन मिनिमम आपको क्वालिफाई होने के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर क्वालिफाई हो जाते हैं रिटर्न में तो आपका शारीरिक परीक्षा हो जाता है, ठीक। आपका जो भी रिजल्ट दिया जाएगा 1:2 में दिया जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 902 वैकेंसी है तो इसके लिए लगभग 1800 आपको दिया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था 16 जून को एग्ज़ाम हुआ था, पिछले ही एक महीने मात्र पिछले आपको एग्ज़ाम हुआ था 902 पदों के लिए 38 जिलों में बिहार के, जो 530 सेंटर बनाए गए थे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलने वाले थे और गलत जवाब देने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो एक तिहाई काटा जाएगा यहाँ पर, ये आपको बहुत न्यूज़पेपर है पहले का। देखिए ये जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें लोग जो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लोग जो फॉर्म भरे थे वहाँ 3,00,000 लगभग 11,425 लोग भरे थे। लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पर अटेंडेंस देखा जाए तो मात्र 60% ही, कहीं पर कुछ ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। यहाँ पर 60% के करीब लोग एग्ज़ाम देने गए थे। जानते हैं आप वैकेंसी बहुत कम है, फिर भी कटअप काफ़ी हाई चला जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि जो पुरुष के लिए है फिजिकल, उसमें यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर, वहीं महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। तो पुरुष के लिए कोई भी आरक्षण किसी भी पुरुष के लिए नहीं है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर डेट कब है, कब से होता है। तो आप जानते हैं अगर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दिए होंगे कॉन्स्टेबल का या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे तो लगभग रिटर्न एग्ज़ाम के 3 महीने बाद ही आपका देखिए रीजन माफ़ कीजिएगा जो भी रिटर्न आपका एग्ज़ाम होता है जैसे कि उसके बाद ही रिटर्न रिजल्ट का कम से कम तीन महीना समय लिया जाता है। तो आपको जानते हैं कि ये कब हुआ था, 16 जून को हुआ है। 16 जून आज जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर। तो मैं बार बार ये बात भी आपको पहले भी बोलता था कि लगभग सितंबर, मिड सितंबर या लास्ट सितंबर से आपका रिजल्ट आने की पूरा संभावना है, ठीक। और उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट होता है। तो लगभग जाड़े का मौसम आ जाएगा, बरसात अपना अंतिम पड़ाव पर होगा, ठीक। और कभी भी जाड़े के मौसम में ही बिहार में दरोगा की भी आप वैकेंसी देख सकते हैं, ज़्यादातर बिहार कांस्टेबल का भी ज़्यादातर देख सकते हैं। बरसात में बिहार में कोई भी वैकेंसी का दौड़ नहीं लिया जाता है या पैदल भी नहीं चला जाता है। तो शुरुआती जाड़ा में आपका इसका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक। तो लगभग शुरुआती नवंबर में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। टोटल वैकेंसी लगभग कोशिश किया जाएगा कि इसी साल पूरा कर लिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी से फरवरी में पूरे आप कर आपकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए, ठीक। ये जानकारी है आपको, फिर से मैं बता देता हूँ जो रिजल्ट का डेट है वो आपके एग्ज़ाम से तीन महीने बाद ही, मीन्स कि आपका लगभग सितंबर में आपके एग्ज़ाम के आपको रिजल्ट आने वाला है और उसके 1 से 1.5 महीने बाद से शुरुआती नवंबर में आपका फिजिकल होगा, ठीक। फिजिकल के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल के लिए आप क्या करना है कि डेली बस एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करते रहना है और फिजिकल के लिए आप जब रिजल्ट आ जाएगा, जब हो जाएगा आपका, तो फिजिकल के लिए 1 महीने समय आपके लिए काफ़ी है क्योंकि ये दौड़ नहीं है, पैदल चलना है। आपको इसमें स्टेमिना चाहिए और एक्सरसाइज से भी आप स्टेमिना बना सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी मोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।